नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश में लगातार यूथ गौरक्षा के नाम पर कई तरह के अभियान चलाए जाते हैं जिसमें करोड़ों रुपए खर्च भी सरकार द्वारा दर्शाया जाता है, मगर यही चीज अगर जमीनी हकीकत पर देखी जाए तो गौ माता की हालत बद से बदतर नजर आती है। गौशाला में और कांजी हाउस में कुछ इस तरह के नजारे देखने को मिले। गौशालाओं कांजी हाउसों में गौ माता अपनी ही बदहाली पर आंसू बहाती नजर आई है। ना तो उच्च गुणवत्ता के खान पान का उनका ध्यान रखा जाता है, ना ही उनकी बीमारी में तीमारदारी करने वाला कोई नजर आता है। नौबत ये आ जाती है कि गौ माता एक ही जगह तड़प तड़प कदम तोड़ देती है। यूं तो हिंदुस्तान में गाय को माता के रूप में पूजा जाता है, जिसको लेकर के कई बड़े बड़े दावे भी किए जाते हैं सरकारों द्वारा गौ रक्षा के नाम पर। वहीं अगर देखा जाए, कई बार हिंदुस्तान में देखा गया है गौ तस्करों को लेकर गौ रक्षकों ने मॉब लिंचिंग भी की, कई बार उन लोगों को जानवरों की तरह बेरहमों की तरह पीटा भी गया। मगर अब अगर गौ माता की दुर्दशा खासकर सरकारी गौशालाओं में या कांजी हाउस में देखी जाए तो उनकी दुर्दशा काफी खराब है। ना तो उनके चारे की ढंग से व्यवस्था है, ना ही उनके रहन सहन का ना खान पान का ध्यान रखा जाता है। कई ऐसी तस्वीरें निकल के सामने आ रही हैं जिसमें गौशालाओं के अंदर गौ माता काफी खराब हालत में देखी गई है। कई गौ माता तो वहीं पर पड़े पड़े मर गई हैं, मगर शासन प्रशासन का इस ओर ध्यान नहीं जा रहा है। आखिरकार क्या कर रहा है नगर निगम प्रशासन और क्या कर रही है मोहन सरकार? आखिर क्यों गौ माताओं के ऊपर इस तरह के अत्याचार सरकार और सरकारी अधिकारियों द्वारा किए जा रहे हैं, ये देखने वाली बात होगी। कुछ इस तरह के दृश्य सामने देखे जो दिल को दहला देने वाले हैं, दिल को झंझोड़ कर रख दिया। जिस वक्त हमारी टीम ने जायजा लिया गौशालाओं का और कांजी हाउसों का, वहां पर गायों की जो दुर्दशा देखने को मिली काफी दिल को झंझोड़ देने वाली थी। आखिरकार देखना होगा क्या निर्णय लिया जाता है गौ माता को लेकर और गौशालाओं के ऊपर और ऐसे कर्मचारियों के ऊपर जो वहां पर काम कर रहे हैं। पैसा तो काफी भरपूर आता है अगर देखा जाए खासी तौर पर गायों के चारों के लिए, मगर भूख और प्यास के मारे ये गायें तड़प तड़प कर वहीं पे अपना दम तोड़ देती है। कैमरा पर्सन अमित शाह, न्यूज 69 के लिए भोपाल से आदिल खान की रिपोर्ट। देखिए मध्य प्रदेश सरकार का मुंह करने जबकि काम करने का काम होना चाहिए। गौशालाएं जो कांग्रेस के जमाने में बनी थी, जिस तरीके से 15 महीने की कांग्रेस की सरकार ने हजारों गौशालाएं बनाने का काम किया था, जब से भारतीय जनता पार्टी की खरीदे हुए जनादेश की सरकार आई है वो गौ माता के चारे के पैसे जो 20 रुपए हुए करते थे उसे 1 रुपए 60 पैसे कर दिया। वो गौ माता का जो अनुदान हर महीने मिला करता था उस 6 महीने तक मिलना बंद कर दिया। और जिस तरीके से गौशालाओं की हालत है, गौशाला गौशाला नहीं बची, गाय की कब्रगाह के रूप में इन्होंने कर दिया है। और देश को सबसे बड़ा से पिंक रिवॉल्यूशन के अंदर बीफ का एक्सपोर्टर बनाने का काम किया। गाय के प्रति भारतीय जनता पार्टी की ना आस्था है ना उनके प्रति विश्वास है। सिर्फ कैसे गाय के नाम पे राजनीति करें और गौ माता की स्थितियां मध्य प्रदेश के अंदर रोज बद से बदतर होती जा रही है। गौशालाएं हमेशा कांग्रेस ने खोली और बीजेपी के राज में गौशालाएं बंद होती है। जो हजारों गौशालाएं खुली थी वो सारी की सारी बंद हो रही है। आज गौ माता सड़कों पर है और बीजेपी सिर्फ गाय के नाम पर राजनीति करके कैसे वोट पाए इसके लिए काम कर रही है, ना कि गौ माता को सही संरक्षण देने का काम कर। कई गौ रक्षक ऐसे भी हैं जो गौ रक्षा के नाम पे लोगों को अत्याचार भी करते हैं, जानवरों को तो पीटे जाता है। वही जब देखिए गाय पे राजनीति करना भारतीय जनता पार्टी और इनके अनुसांगिक संगठनों की आदत है, पर गाय किस परिस्थितियों में उसके प्रति ना तो उनका भाव है ना स्थितियां। रोज सड़कों पे गाय बैठी रहती है, एक्सीडेंट अलग होते हैं। गौ माता की स्थिति गंभीर होती है, वहां पे जो जाते हैं लोग वो एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। किसान परेशान रहता है क्योंकि रोज गौ माता खेतों में, और जो गौशालाओं के अंदर अनुदान मिलके गौशाला चलाने का काम करना चाहिए उन गौशालाओं को इसलिए भारतीय जनता पार्टी बंद करती है। सबसे बड़े बीफ के एक्सपोर्टर के रूप में हिंदुस्तान को जो बनाने का काम किया है, बीफ की बड़ी बड़ी कंपनियों से चंदा लेने का काम किया है, तो गौ माता पे सिर्फ राजनीति करना, मॉब लिंचिंग करना, लोगों की हत्या करना ये तो आता है, पर गौ माता की सेवा करते इन लोगों को नहीं आता। अच्छा, इसमें एक समस्या और लगती है, नगर निगम द्वारा जो रोड पर गौ माता घूम रहे हैं इनको नगर निगम द्वारा ले जाया जाता है, तो पशु प्रेमी जो है
वो लोग आगे आ जाते हैं, उनके द्वारा रोक दिया था, काफी हंगामा किया। पहले उनकी व्यवस्था तो ठीक करे, गो माता गौशाला तो खोले, गौशाला ठीक रहेगी, अच्छी परिस्थितियों में रहेगी, किसको दिक्कत है? गो प्रेमियों को, सब गो प्रेमी ये चाहते हैं कि सड़कों के ऊपर गो माता नहीं रहे, उनकी व्यवस्था ठीक हो, और पर कहीं ये भी नहीं हो कि गो इसे उठा के ले जाके कहीं काजी हाउस में भेज दे, कहीं यहाँ पे स्लॉटर हाउस में भेज दे, क्योंकि मध्य प्रदेश और देश में स्लॉटर हाउस बीजेपी खोल रही है, ना कि गौशाला। वहीं सारे मामले को लेकर कांग्रेस के पूर्व विधायक कुणाल चौधरी ने भी भाजपा सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार का मूल मंत्र है जबकि काम करने का काम होना चाहिए। जब 15 महीने की कांग्रेस सरकार में हजारों गौशालाएं बनाने का काम किया था, वहीं जनादेश से खरीदी हुई सरकार भारतीय जनता पार्टी आई है तो उसने गौमाता के चारे का रेट जो 20 रुपए हुआ करता था अब वह 1.60 रुपए कर दिया गया है। भोपाल से न्यूज 69 के लिए आदिल खान की रिपोर्ट। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।